प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने कई अहम फैसले लिए, जिसमें रात 10 बजे प्रतिष्ठानों को भी बंद करने का निर्णय लिया गया। इसी निर्देश का पालन कराने के लिए पुलिस सड़कों पर उतरी और प्रतिष्ठानों को बंद कराया। हालांकि इस दौरान पुलिस को थोड़ी सख्ती भी दिखाना पड़ी। देखिए खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण ने मध्य प्रदेश सरकार की चिंता को एक बार फिर बढ़ा दिया है। संक्रमण को रोकने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले सरकार द्वारा लिए गए। इसमें रात 10 बजे प्रतिष्ठानों को भी बंद कराने का फैसला लिया, जिसका पालन कराने के लिए इंदौर की सड़कों पर पुलिस महकमा उतरा। अलग अलग स्थानों पर पुलिस बल प्रतिष्ठानों को बंद कराते नजर आया। हालांकि रात करीब 9 बजे से ही पुलिस ने लाउड स्पीकर के माध्यम से दुकानदारों को रात 10 बजे तक दुकानें बंद करने के निर्देश दे दिए थे। बावजूद इसके कई स्थानों पर पुलिस को सख्ती से दुकानों को बंद कराना पड़ा। ऐसा ही नजारा तुकोगंज थाना क्षेत्र में देखने को मिला, जहां टीआई कमलेश शर्मा सहित पुलिस बल दुकानों को बंद कराने पहुंचा। यहां कुछ दुकानदारों ने पुलिस की समझाइश का पालन करते हुए समय पर दुकान बंद कर दी, लेकिन कुछ दुकानदारों ने ऐसा नहीं किया, जिसके चलते पुलिस को लाठियों की मदद से दुकानों को बंद कराना पड़ा। तुकोगंज टीआई कमलेश शर्मा ने कहा कि समय पर दुकान बंद नहीं करने और रात में बेवजह घूमने वालों पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। लगा दिए गए, अभी यहाँ से ये सब लोग लौट रहे हैं, उसके बाद अभी चेकिंग चालू करेंगे 11 बजे से जी। उसके बाद जो भी घूमता हुआ मिलेगा, जिसको कोई लीगल कारण नहीं होगा, उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पहला दिन था, लोगों की भीड़ काफी थी, लोगों को लग रहा था कि 10 बजे बंद करने का बोलेंगे तो थोड़ा देर तक बंद करेंगे, तो उनको 9:30 बजे से पहले बता दिया गया था। तो अभी आप देख सकते हैं 5 या 7 मिनट हो रहा है, सारी दुकानें बंद होती। कुल मिलाकर देखा जाए तो निर्देशों का पालन पुलिस द्वारा कहीं समझाइश तो कहीं सख्ती से करवाया गया। MP News के लिए धर्मेंद्र यादव की रिपोर्ट।